कपिल शर्मा का जन्म एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था और उनके फादर पंजाब पुलिस में हेड कांस्टेबल थे, इसलिए उनका बचपन एक पुलिस कॉलोनी में पुलिस वालों के साथ रहकर ही बीता था। उस टाइम उनके पास कुछ खास पैसा वैसा तो था नहीं, इसीलिए कपिल ने 10th स्टैंडर्ड में आने के बाद पार्ट टाइम एक टेलीफोन बूथ में काम करना शुरू कर दिया अपने खुद के खर्चे उठाने के लिए। कपिल की 12th तक की पढ़ाई एक गवर्नमेंट स्कूल में हुई थी और स्कूल टाइम से ही उन्होंने काफी कल्चरल एक्टिविटीज में इंटरेस्ट दिखाना भी शुरू कर दिया था। कपिल ने फिर बाद में हिंदू कॉलेज में एडमिशन ले लिया और आपको जान के हैरानी होगी कि इसी हिंदू कॉलेज से डॉक्टर मनमोहन सिंह भी पास आउट हैं। कपिल ने कॉलेज में आकर और एक्टिविटीज में पार्ट लेना शुरू कर दिया, लाइक एक्टिंग एंड सिंगिंग। कुछ टाइम बीतता गया और उन्होंने अपने दोस्तों के बीच अपने प्रोफेसर्स की मिमिक्री करनी भी शुरू कर दी। धीरे धीरे उन्हें खुद रियलाइज होने लगा कि हाँ यार, लोगों को हंसाने में मैं काफी अच्छा हूँ। उनके ड्रीम्स तो थे कि यार मैं अपनी म्यूजिक एल्बम रिकॉर्ड करूंगा, बट शायद उन्होंने उस समय कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन वो कॉमेडी के बादशाह बन जाएंगे। कॉलेज खत्म होने के बाद कपिल ने कम से कम 10 साल अपने करियर में स्ट्रगल करा, जिसमें से एक स्टेज उनकी लाइफ की ऐसी आई जब उनके फादर को कैंसर हो गया और उनके इलाज के लिए उन्होंने उन्हें दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में एडमिट भी करवा दिया, पर वो बच ना सके और 2004 में ही चल बसे। पिता की जगह परिवार के किसी एक बंदे को उनकी नौकरी मिल सकती थी। कपिल की मदर चाहती थी कि कपिल वो नौकरी ले ले और घर की जिम्मेदारी संभाल ले, बट कपिल ने उस नौकरी को मना कर दिया और कपिल के बड़े भाई ने वो नौकरी ले ली। कपिल ने फिर कॉलेज में अपने स्टूडेंट्स की एक्टिंग क्लासेस लेना चालू कर दिया। उसी दौरान अमृतसर में लाफ्टर चैलेंज का ऑडिशन निकला, बट कपिल को उस ऑडिशन में रिजेक्ट कर दिया गया। कॉमेडी शो से रिजेक्ट होने के बाद भी कपिल शर्मा ने हिम्मत नहीं हारी, उसने अपने आप को संभाला और वो नेक्स्ट ऑडिशन दिल्ली में देने चला गया और वहां पास हो गया। और कमाल की बात यह है कि उसी लाफ्टर चैलेंज का वो विनर भी बन गया। लाफ्टर चैलेंज जीतने से उन्हें 10 लाख रुपए मिले, जिससे उसने अपनी बहन की शादी करवाई। पर एक शो जीतने से किसी की लाइफ तो सेट होती नहीं है, तो वो और छोटे मोटे शोज में परफॉर्म करने लग गया और जहां अपॉर्चुनिटी मिलती गई वहां वो अपना बेस्ट देता चला गया। कुछ टाइम बाद उन्होंने सोनी टीवी पर एक कॉमेडी सर्कस नाम के शो में काम करा, जिसमें भी वो बाकी कॉमेडियंस के कंपैरिजन में हर बार टॉप पे रहे। अब उनकी लाइफ एक डिसेंट से रास्ते तो आ चुकी थी, पर उन्हें सेटिस्फेक्शन फिर भी नहीं था। 2-3 साल इस शो में काम करने के बाद उन्होंने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क लिया। उन्होंने अपना सब कुछ लगा के खुद का प्रोडक्शन हाउस खोला, K9 प्रोडक्शन हाउस, और कलर्स टीवी के साथ मिलके उन्होंने खुद का शो खड़ा किया, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल। कपिल ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका ये शो सुपर डुपर हिट हो जाएगा। इतना हिट कि हर एक घर में वो शो देखा जाने लगा और सब सेलिब्रिटीज भी वहां आ गए, जैसे कि अमिताभ बच्चन ले लो, शाहरुख खान ले लो, कोई ऐसा पॉपुलर सेलिब्रिटी नहीं होगा जो इस शो में ना आया हो। बीच में किसी कारण से उनका पूरा सेट भी जल गया था, बट बंदे ने तब भी हार नहीं मानी और इधर उधर से पैसा लगवा के उसने फिर अपना सेट खड़ा किया और इतने गंदे तरीके से मेहनत करी कि शो में 4 चांद लग गए। कपिल का सेट जरूर एक बार को हिला, पर उसका जज्बा उसे कोई नहीं हिला पाया। अभी की बात करें तो कपिल शर्मा और भी ज्यादा धूमधाम से सोनी टीवी पर द कपिल शर्मा शो चला रहे हैं। कपिल शर्मा ने यह प्रूव कर दिया कि इंसान अपनी मेहनत से चाहे तो क्या नहीं कर सकता।